डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज 2 जनवरी है। देखिए, इसका पीडीएफ फाइल जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे जरूर आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। और इस सवाल जो 104 साल पुराना पम्बन पुल कहाँ स्थित है, ये हम आगे जाके देखेंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। आज बहुत ही दुखद घटना है कि सबके प्यारे कादर खान जो हैं, वो कल कनाडा में एक लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। वो 81 वर्ष के थे और उनका जन्म काबुल में हुआ था। देखिए, ये जो मेन जो है, ये सारे सवाल में हो सकते हैं जो मैंने बोल्ड करके दिया हुआ है। 1973 में राजेश खन्ना के अभिनीत दाग फिल्म से वो अपने अभिनेता कैरियर की अपना शुरू किया, जबकि जवानी दीवानी फिल्म में उन्होंने सबसे पहले डायलॉग लिखा था। पिक्चरों की तो आप जानते हैं, धर्मवीर, गंगा जमुना सरस्वती, कूली, देशप्रेमी, सुहाग, परवरिश, अमर अकबर एंथनी, ज्वालामुखी, शराबी, लवारिस, मुकद्दर का सिकंदर, सारे जो है हिट पिक्चर्स में मैक्सिमम में कादर खान ने अभिनय किया। और उनके क्या कहते हैं, उनकी जो अभिनय शैली थी, डायलॉग बोलने की शैली थी, आप सभी जानते हो, माशाअल्लाह था। अब देखिए, चुनावी बॉन्ड के 7वें चरण की बिक्री आज से शुरू है। और देखिए, ये जो हर महीने में होता है, बॉन्ड की बिक्री केवल 10 दिन के लिए होता है। ये स्टेट बैंक के चुनावी बॉन्ड के लिए केवल 29 ब्रांच को अधिकृत किए गए हैं। 6ठे चरण में 1057 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड बेचे हैं। ये मतलब हर राजनीतिक पार्टी जो है चंदा के तौर पे पब्लिक से पैसे लेती है, मतलब बड़े कंपनियों से। और ये कभी आम पब्लिक के सामने नहीं आता कि रिलायंस ने किस पार्टी को, कांग्रेस को कितना दिया, बीजेपी को कितना दिया, ये सब। लेकिन ये हुआ है पिछले साल से कि कोई भी पैसा कैश नहीं देगा, सब कोई जाके बैंक में जमा करेगा। और ये जो है इसकी अवधि 15 दिन की होती है। और एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसमें एक पॉइंट, कि इस तरह के बॉन्ड से कोई भी राजनीतिक दल तभी पैसा ले सकता है जब पिछले इलेक्शन में जितने वोटर्स थे उसमें से कम उन्होंने 1% वोट हासिल किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आगे चलते हैं। इस बार देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो श्री सुधीर भार्गव बने हुए हैं। अब केंद्रीय सूचना आयोग को सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बोलते हैं, CIC बोलते हैं। देखिए, अभी तक जो 11 यहाँ पे स्वीकृत पद हैं, केवल 3 ही थे और 4 नए सूचना आयुक्त को शपथ दिलाया गया है, जिसमें आपके सुधीर भार्गव जो है वो मुख्य सूचना आयुक्त हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पर, इस CIC में एकमात्र महिला सूचना आयुक्त जो है वो सरना है, इसलिए इस नाम को जरूर आप लिख लेंगे। अब आगे आते हैं। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के 4 बैंक, टोटल 7 बैंक को दिया हुआ है 11,000 करोड़ रुपए की निवेश हुआ है, जिसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, सिंडिकेट बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है ना। और इसके पहले 4 बैंक थे, बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। टोटल जो है 2,86,15 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश हुई है। जो बैंक के लिए तैयारी करते हैं उनके लिए ये जो अमाउंट है जरा इम्पोर्टेंट है, और जो नॉर्मल करते हैं उन्हें केवल है कि 7 बैंकों को जो है 11,000 करोड़ रुपए की जो निवेश है वो इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। ब्राजील में जायरो बोल्सोनारो राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। वो पिछले वर्ष अक्टूबर में वामपंथी वर्कर्स पार्टी के फर्नांडो हरडाड को बड़े अंतर से हराए थे, और उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में ये बोला था कि देश को भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त करेंगे। देखिए, जब भी ये चीजें होती है तो कुछ चीजों को और भी जानना जरूरी हो जाता है, जैसे ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्रासिलिया है। ब्राजील देश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, साओ पाउलो है। राजभाषा या राष्ट्रभाषा वहां का क्या है, पुर्तगाली है। राष्ट्रपति तो अभी जाने जायर बोल्सोनारो है। करेंसी जो है ब्राजील की रियाल है। वहां की पॉपुलेशन 21 करोड़ है और दक्षिण अमेरिका का ये सबसे बड़ा देश है और सबसे महत्वपूर्ण देश है।
तो देखिए आज के जो इंपॉर्टेंट जितने भी खबर थे, जो वन लाइनर बोलते हैं, वो खत्म हुआ। अब हम सवाल जवाब के रूप में बहुत सारे जवाब क्वेश्चन को करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब सवाल जवाब के क्लास में चलते हैं। देखिए आप लोगों के कमेंट्स के ऊपर मैं इस क्लास को फिर से शुरू कर रहा हूं। तो अभी क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन में होगा, एक वन लाइनर जो एकदम मोस्ट करंट होगा उस पे करेंगे, और दो तीन दिन पुराने जो सवाले हैं जिससे सवाल बन सकते हैं उसे हम सवाल जवाब के रूप में हम उसे फिर से करेंगे। जैसे चितवन नेशनल पार्क के बारे में पहले मैं कवर कर चुका हूं। अब फिर से सवाल आता है कि 21 गेंडों की मौत हो गई है, और सही पूछो तो साल में 20 गेंडे ऐसे मर जाते हैं, तो चितवन नेशनल पार्क कहां पर है? तो देखो चितवन नेशनल पार्क नेपाल में है, और साथ साथ में यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो है ये गेंडे आपस में लड़ते हैं, और लड़ने के बाद तब तक लड़ते हैं जब तक एक की मौत नहीं हो जाती है। ये बड़ी आश्चर्यजनक कारण है, लोग इस पे कोशिश कर रहे हैं कि क्यों हो रहा है। अच्छा, जब हम एक सींग वाले गेंडे की बात करते हैं जैसे आप देख रहे हैं, तो हमारे देश में कहाँ मिलता है ये? तो आप भी जानते हैं आसाम के काजीरंगा फॉरेस्ट में है, जो हमारे देश में भी फेमस है एक सींग वाले गेंडे के लिए। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। उस्मान नामक तूफान हाल ही में आया हुआ है, दो दिन पहले आया हुआ है, ये किस देश में आया हुआ था? तो ये फिलीपींस में आया था। उस्मान नामक तूफान जो है फिलीपींस में आया है। अब जब फिलीपींस की बात हो जाती है तो फिलीपींस के बारे में कुछ और भी फैक्ट्स हमें जानने हैं। तो पहला है कि फिलीपींस का जो कैपिटल है वो मनीला है, करेंसी जो है वो पेसो है, प्रेसिडेंट जो है रोड्रिगो है, और वहां की फिलीपींस की जो जनसंख्या है वो 10 करोड़ है। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क पर एक्सपर्ट कमिटी गठन किया, इसके अध्यक्ष कौन है? ये काफी इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो मिस्टर बिमल जलान हैं। तो चलिए थोड़ी सी बात और जान लेते हैं, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क किस लिए है। तो ये जो एक्सपर्ट कमिटी बना है, आप भी जानते हैं कि हमारे जो उर्जित पटेल ने जो गवर्नर थे उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, क्योंकि केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक के गवर्नर से के साथ एक झमेला था कि आरबीआई के पास जो बफर मनी है, ठीक है ना, उसका उपयोग कैसे हो, इसके लिए एक एक्सपर्ट कमिटी बनी है, जिस एक्सपर्ट कमिटी को 90 दिन के अंदर में अपना रिपोर्ट पेश करना है, और उसके अध्यक्ष हैं बिमल जलान। अब आते हैं हाल ही में केंद्र सरकार के ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2010 और 2014 के बीच कितना प्रतिशत का ग्रीन हाउस उत्सर्जन बढ़ा है। ग्रीन हाउस उत्सर्जन मतलब समझते ही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए ये 2.6 बिलियन टन जो है ये 2014 में इतना जो कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर तक ये पहुंच गया है, 2.6 बिलियन, इसको आप जरूर याद रखेंगे। तो मतलब ये 22% हुआ। अब देखिए बहुत ही एक मुख्य महत्वपूर्ण सवाल पे हम आ रहे हैं। देश में सर्वप्रथम भारतीय रेलवे द्वारा वर्टिकल लिफ्ट पुल हाल ही में किन दो जगहों को जोड़ने के लिए बन रहा है? शब्द पे जरा गौर करेंगे, भारतीय रेलवे द्वारा वर्टिकल लिफ्ट पुल। तो वर्टिकल लिफ्ट पुल के बारे में भी हमें थोड़ा जानना है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो पुल है ये आपके जो तमिलनाडु के आइलैंड है और रामेश्वरम को जोड़ता है, तो भारत की मुख्य भूमि और रामेश्वरम को जोड़ता है इसे। चलिए इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अब जैसे पहले हम एक चीज को समझ लें, देखिए ये जस्ट एक इसको समझाने के लिए किया गया है। देखिए बीच का ये पोर्शन, जब भी जहाज नीचे से जा रहा है ये बीच का पोर्शन उठ जाता है, तो यही वर्टिकल लिफ्ट पुल इसको बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे अगर हम देखें तो हम एक ब्रिज को देख रहे हैं जिस ब्रिज का नाम है
आपका जो है पंबन ब्रिज, ये 2010 के पहले इंडिया की सबसे पुरानी और सबसे लंबे रेल ब्रिज हुआ करती थी। ये जो है 1914 को ये बनी हुई थी, और 2010 में जब आपका बॉम्बे वर्ली सीलिंग ब्रिज जब बनी, उसके पहले तक ये बहुत ही क्या कहते हैं, इस भारतवर्ष की सबसे लंबी आपका रेलवे ब्रिज थी। अभी इसकी जो है कि बोला जाता है कि विश्व में वन ऑफ द डेंजरस ब्रिज है ये, तो इसके लिए इसके ऊपर रेलवे ने इसे कंस्ट्रक्शन का काम लिया हुआ है, और 104 साल पुराने पंबन ब्रिज को अब चेंज कर रही है, अब उसको बना रही है वर्टिकल लिफ्ट पुल। यहां भी पहले देखो, यहां से भी जहाज जाने के लिए जो है ना ये खुलता था, और ये दोनों ऊपर की तरफ इसको सॉरी साइड की तरफ ये मुड़ जाते थे और जहाज को निकलने का जगह दिया जाता था, लेकिन 104 साल में इसकी अब इसकी लाइफ खत्म हो चुकी है। अब जो है ये बन रही है इस पंबन ब्रिज की जगह पे ये वर्टिकल लिफ्ट पुल, जो 250 करोड़ की आएगी और बनने में 4 साल लगेंगे। तो देखिए इसमें जो है सवाल बनने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है, आप भी समझ सकते हैं, तो इसे जरूर आप कॉपी पे नोट कर लीजिए और पीडीएफ फाइल तो जरूर डाउनलोड करेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एम स्ट्रिप्स क्या है, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। एम स्ट्रिप्स क्या है, देखो ये वन्य जीवन पर वन जीवों पर नजर रखने वाली एक प्रणाली, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ये बेसिकली जो है ये एम स्ट्रिप्स का है नाम, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स। बाघ जो है जंगल में कहां जा रहा है, कहां क्या कर रहा है, इसकी जानने की विधि है ये। और ये जो है NTCA, एक नया शब्द आ गया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये 2010 से ये चीज चालू हुई है और ये अभी सुर्खी में भी रहा, तो नेचुरली हम इसको जरा जान लेते हैं। ये रॉयल बंगाल टाइगर जो है उनके लिए बेसिकली 2010 से जो है उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए ये है, ये GPS सिस्टम है बेसिकली, ये एक पट्टा होता है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, ये बाघ सोया हुआ है और इसके गले में व्हाइट रंग का पट्टा है और यहाँ पे GPS सिस्टम लगा हुआ है। इसके सहारे ये बाघ कहाँ जाती है, कहाँ पर ये डेंजर कहीं हो जाता है, कोई अगर बाघ शिकार करने के लिए आता है, ये सारी बातें का इंफॉर्मेशन जो है मिलता हुआ रहता है। तो एम स्ट्रिप्स क्या है, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स, जरूर याद रखेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ड्रोन ओलंपिक्स फरवरी 2019 में किस जगह पे होगा। जी हाँ, ये भी एक तगड़ा सवाल है, तो ये बेंगलोर में होगा। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, इसको ड्रोन ओलंपिक्स बोलते हैं। ये जो है एरो इंडिया 2019 शुरू होगा, ये बेंगलोर में होगा 21 फरवरी को, उसमें ड्रोन ओलंपिक्स होगा। इस ड्रोन ओलंपिक्स में दो कैटेगरी के ड्रोन रखे हुए हैं। आप जानते हैं ड्रोन का मतलब होता है हवाई जहाज, जिसमें कोई इंसान नहीं होता, नीचे रिमोट से चलाया जाता है। इसकी दो कैटेगरी रखी है, एक 4 किलो वजन की कैटेगरी और दूसरी जो है 4 किलो से ज्यादा की वजन की कैटेगरी। तो और इसके ऊपर कुछ और भी हमें जानना होगा, तो जो हम नेक्स्ट कुछ सवालों से हम इसे कवर करेंगे। अब चलिए आते हैं आज का सवाल जो है। आज देखिए, जैसे आप लोगों ने बोला था कि सर एक कम से कम सवाल दो, तो हम भी कोशिश करें, तो आपके कमेंट्स के ऊपर ही मैंने हर दिन एक सवाल देना शुरू किया है। बड़ा ही आसान सवाल है, चीन 2019 को किस वर्ष के रूप में मना रहा है, सर्प वर्ष, पंछी वर्ष, हिरण वर्ष, बाघ वर्ष? तो फिर आप जरूर मुझे कमेंट्स करके बताएं और आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तो चलिए आज इतना ही हम करते हैं, और शेष करने के पहले, इसे फिनिश करने के पहले, मैं आप सबसे एक ही निवेदन करूंगा कि इसकी पीडीएफ फाइल को जरूर जरूर डाउनलोड करें, और साथ ही साथ देखेंगे कि जैसे मैंने बोला हूं स्टार्ट में कि मेरा एक ऐप है जिसके अंदर में सब कुछ है, वो ऐप फ्री है, आप इंस्टॉल करें तो आपकी तैयारी में मेरे तरफ से भी कुछ मदद जरूर मिलेगा। आप चाहे वो इंग्लिश की तैयारी करें, चाहे मैथमेटिक्स की तैयारी करें, चाहे जनरल नॉलेज की तैयारी करें, चाहे रीजनिंग की तैयारी करें, 600 वीडियो का
के साथ है ये, अभी सब अपलोड हो रहे हैं, 300 के करीब हो गए हैं और 300 होने वाले हैं। और मेरे तरफ से आप लोगों की तैयारी में एक मेरी भी कोशिश है, तो इसे जरूर इंस्टॉल करें। ओके देन, आप लोगों ने समय दिया इसलिए थैंक यू। जय हिंद।